राम आस्था का विषय है और इसे आस्था की ही दृष्टि से देखा जाना चाहिए। इस मामले को किसी भी दृष्टि में राजनीतिक लाभ के लिए प्रयोग करना न केवल गलत होगा बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादाओं के खिलाफ होगा। राज्य कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि ये मंदिर हिंदुस्तान की धार्मिक संस्कृति की धरोहर है। विश्व के इस सर्वोच्च मंदिर के निर्माण के योगदान के लिए ना तो किसी व्यक्ति विशेष के योगदान को बड़ा या छोटा ठहराया जा सकता है, ना ही देश की आस्था व श्रद्धा को किसी पार्टी विशेष या व्यक्ति विशेष के लिए पेटेंट माना जा सकता है। विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर समझा जाए तो अब बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने खुलासा किया है कि इस मंदिर के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव व अशोक सिंगल जैसे लोगों ने अथा प्रयास किए हैं। राणा ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा इस देश में हमेशा हर धर्म को मानने वालों को स्वतंत्रता देने वाली रही है, धर्म निरपेक्ष रही है, जिसका अनुसरण करते हुए कांग्रेस के बड़े नेताओं ने राम मंदिर निर्माण के प्रयासों में अपना योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि राम का संबंध धर्म विशेष या पार्टी विशेष से जोड़कर देखना सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए अनेकों संतों महंतों साधु समुदाय के साथ कई धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं जिनका राम में विश्वास है उनका योगदान रहा है। जहां तक राम मंदिर निर्माण का प्रश्न है, मुझे लगता है कि बरसों से और हजारों वर्षों से लोग इसके लिए प्रयास कर रहे थे, बड़े लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया है और राम भगवान के बीच में हमारे देश के नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी राम भगवान के बीच में आस्था है। और कोई व्यक्ति ये कहे कि किसी ने कोई राम भगवान को पेटेंट करवाया है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे लोगों की आस्था है। सुब्रमण्यम स्वामी जो कि राज्यसभा के सांसद है, उन्होंने भी पिछले कल स्टेटमेंट दी है कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव, श्री राजीव गांधी और विश्व हिंदू परिषद के जो अध्यक्ष थे अशोक सिंगल जी, उनका बड़ा योगदान रहा है। बहुत सारे लोगों ने इसमें संघर्ष किया है और कांग्रेस पार्टी का हमेशा ये जो है विचारधारा रही है कि सभी धर्मों को सम्मान मिलना चाहिए, सभी लोगों को अपने अपने धर्म को आगे बढ़ाने का जो है धर्म निरपेक्षता, हमेशा इसकी बात कांग्रेस ने करी है। और हम चाहते हैं कि मंदिर बने और सुंदर मंदिर बने, बहुत सारे लोग इसके लिए योगदान देने के लिए तैयार हैं और हमें इस बात की खुशी है।